नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे आज हमारे साथ खास मेहमान है जागमती सांगवान, जो कई दशकों से महिलाओं और मजदूरों के आंदोलनों के साथ जुड़ी हुई है। जागमती जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रज्ञा। जागमती जी, इस बार एक थीम है महिला दिवस के लिए, वो है, एक तरह से हम देख सकते हैं, भागीदारी और हिस्सेदारी, दोनों की बातें करी जा रही है। तो हमने कई आंदोलन देखे जिसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया, वो काफी बड़े नंबर में जुड़ी, किसानों का आंदोलन चला। तो हमने क्या हासिल किया और क्या करने को रह गया है आगे, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, जहां तक महिलाओं की भागीदारी संघर्षों में, आंदोलनों में, अभियानों में, इस पर अगर बात करें तो आज के ही दिन हरियाणा जैसा राज्य यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं वो पिछले 3 महीने से पूरा सर्दी में वो मतलब सड़कों पे रही हैं और तमाम तरह से अपना आंदोलन जो है उसको जारी रखे हुए हैं। और अभी भी कल विधानसभा पे उनका प्रदर्शन था तो वो पहुंचने नहीं दिया गया। पूरे हरियाणा में वो 10 10 किलोमीटर, 15 15 किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने मोर्चे लगाए जहाँ पे रोका गया उनको उस तरह से। तो और पिछले किसान आंदोलन में हमने देखा कि किसान महिलाएं, खेत मजदूर महिलाएं और तमाम दूसरे तबके की महिलाएं जो हैं उन्होंने आंदोलन में हर तरह से भागीदारी की और पूरा मतलब हौसले के साथ करी उन्होंने भागीदारी। उसमें चाहे वो स्टेज पे भाषण देने की बात थी या गीत गाने की या स्लोगन की बात थी या टोल प्लाजा पे या दूसरी जगहों के ऊपर जो भी कन्फ्रंटेशन किसी भी तरह की आ रही थी उसमें भागीदारी की बात थी। यहाँ तक कि राइट टू प्रोटेस्ट में भी जो महिलाओं को हल्की नजर से देखा जाता है वो यहाँ पे हरियाणा में तो ऐसा मंत्री जिन्होंने बहुत ही इनडिसेंट जेस्टर्स मतलब अश्लील इशारे वो जो काले झंडे दिखा रही थी महिलाएं उनकी तरफ किए थे तो उनसे भी पैर पकड़वाए और माफी मंगवाई एक तरह से। तो राइट टू प्रोटेस्ट को भी जनरल उसमें भी स्ट्रेंथन उन्होंने किया है। और इससे पहले CAA NRC का जो आंदोलन है जो संविधान में बिल्कुल ऐसे जन विरोधी जो वो छेड़छाड़ की गई थी सरकार के द्वारा जी ऑल्दो मतलब ये देखने में आता है कि जहां तक हमारा संविधान है या संवैधानिक अधिकार जो है उनके जो फल हैं वो तो महिलाओं को सबसे कम मिले हैं उस तरह से। लेकिन जब उसके ऊपर हमला हुआ है तो सबसे कड़ा संघर्ष जो है कड़ी टक्कर देने के लिए अगर सड़क पे आई तो वो भी महिलाएं ही थी जो CAA NRC के खिलाफ जो संघर्ष था। तमाम दिसंबर जनवरी की हाड़ गलाने वाली जो सर्दी है वो उन्होंने झेली अपने बच्चों के साथ और खुद ये सारा। तो पिछले दौर के अगर ये आंदोलन देखें और उनमें भागीदारी का मादा देखें, जज्बा देखें या संख्या को देखें तो वो तो बहुत बढ़ी है पहले के मुकाबले ये देखा जाए तो। लेकिन अभी भी मतलब जो डिसीजन मेकिंग में जहां तक नेतृत्वकारी जो कमेटियां हैं, नेतृत्वकारी जो जगहें हैं वहां पे उनकी जो भागीदारी है वो जितना मतलब उनको चाहिए, जिस तरह से उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए आज के दिन वहां पे उतनी संवेदनशीलता या उस तरह का जो अर्जेंसी जो है वो नहीं देखने में मिल रही है। क्या ये किसानों तो के आंदोलन में भी क्या यही था कि वो थी, स्टेज पे थी, मंच पे जरूर बहुत, और यू नो ऑडियंस में भी बहुत थी, लेकिन उनको शायद उतना नेतृत्व नहीं मिला अभी तक।
हाँ बिल्कुल, किसान आंदोलन के अंदर जिस तरह की उनकी भागीदारी थी उस तरह से नेतृत्व कार्य कमेटी, हम अगर उनकी संख्या देखें तो जो 9 मेंबर कमेटी से लेके और दूसरी जो कमेटीज हैं उनमें महिलाओं की संख्या मतलब नाम मात्र के लिए ही थी। और उनके जो जीवन से जुड़े हुए जो मसले हैं, चाहे वो लैंड की एंटाइटलमेंट का सवाल है, चाहे जो मतलब उनके जो किसान पति जब आत्महत्या कर लेते हैं तो उनको जो कंपनसेशन वगैरह का, परिवार को चलाने का जो जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, वो जो मसले हैं वो भी उस तरह से मतलब विमर्श के उतने ज्यादा मसले नहीं थे। यद्यपि हम ये भी जानते हैं कि ये जो किसान आंदोलन था ये 3 काले कानून मुख्यतः उनके खिलाफ था, बिजली बिल के खिलाफ था, परंतु जो डिस्कोर्स था उस डिस्कोर्स के अंदर बहुत अलग अलग तरह के जो इश्यूज हैं जो खेती बाड़ी से के संकट से संबंधित हैं वो तमाम जो हैं वो विमर्श में आए। लेकिन जैसे महिला संसद भी जब की गई जुलाई में, जी 2 दिन महिला संसद के लिए रखे गए, तो उस दिन जो उनके लिए जो तय था जो डिस्कशन के लिए जो वो था वो एसेंशियल कमोडिटीज वाला, मतलब वो रसोई और जो महंगाई खानादारी, मतलब वो उस तरह से वो डिसाइड किया हुआ था एक तरह से। ये वो अलग बात है कि महिलाओं ने अपने जो जीवन के जो संघर्ष है या पीड़ाएं हैं वो बहुत मुखर तरीके से वहां पे रखी, और यहाँ तक भी रखी कि जो विधवा हो जाती हैं महिलाएं उनको जो जमीन जो अपने बच्चों के लालन पालन के लिए एक ही जरिया उनके पास बचता है तो वो मतलब उनको आसानी से मिलती नहीं है, सालों साल वो घुटने रगड़ती रहती हैं। और वो समय होता है जब उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए कि तुरंत उनको वो जो जमीन है उनके नाम की वो मिले। तो जहां तक महिलाओं के द्वारा अपने सरोकारों को अलग अलग मंचों से बुलंद करने का सवाल था वो उन्होंने बखूबी किया। और कुछ मायने में मतलब किसान नेतृत्व ने उनको स्पेस भी दिया कि जी एक किसान महिला दिवस मनाया गया, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पिछली साल जो मनाया गया था मेरे ख्याल से वो बहुत ही अभूतपूर्व था। उसमें जितनी महिलाओं की भागीदारी थी उतनी शायद ही आजादी के बाद कभी हुई हो उस तरह से। और महिला संसद भी 2 दिन निश्चित किए गए उनके लिए, तो उस तरह से वहां पे भी कुछ प्रयास मतलब हुए हैं। परंतु आज के दिन की जो जरूरत है उसके हिसाब से देखें तो मतलब एक ये बड़ा मसला भी है पूरे देश के लिए भी कि 1955 में जो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उनको जमीन में अधिकार जो दिए गए, संपत्ति में जो अधिकार मिला, आज 75 साल की आजादी जिसमें हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं जिसका नाम दिया गया सरकार के द्वारा, वो संपत्ति केवल 13% महिलाओं को हासिल है आज तक। और उसमें से भी जो कंट्रोल कहें उसका चाहे लैंड का, तो वो तो 5-7% को ही हासिल है। तो ये जो इस तरह के मसले जो हैं ये मतलब जिस गंभीरता के साथ एड्रेस होने चाहिए थे या विमर्श जिन पे खुलना चाहिए था, वो जगहें जो हैं थोड़ी सी ऐसी उपेक्षित भी रही उस दौरान। देखिए, एक एक खास चीज हुई कि इस बार जो किसान आंदोलन चला, हम आपको आपने तो खाप पंचायत के खिलाफ कई सालों तक लड़ाइयां लड़ी हैं, पर इस बार हमने देखा कि किसान आंदोलन का एक तरह से खापों ने समर्थन ही किया। तो ये एक बहुत विचित्र घटना थी, जो महिलाओं के खिलाफ आदेश देते हैं
वो लेकिन किसानों के साथ जुड़ जाते हैं। ये जरा हमें समझाइए, खाप पंचायत क्यों एक अलग रवैया उन्होंने अपनाया इस बार? देखिए, एक तो ये जो किसान आंदोलन था, ये पूरा जन आंदोलन बन गया था। जिस तरह से पंजाब के जो लोग जिस पूरी तैयारी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ और बहुत ही अनुशासित और संकल्पित तरीके से आए 26 नवंबर को, जो उन्होंने एक मतलब आस जगाई आम जन के अंदर कि हाँ, इस आंदोलन के अंदर वो पोटेंशियल है जो ये तानाशाह सरकार है इसको चुनौती दे सकता है असल में सामने से। तो उसको देखते हुए बहुत व्यापक पैमाने पे लोग जो हैं वो शामिल हुए इस आंदोलन के अंदर जो है। और जब इस तरह के जन आंदोलन उठते हैं तो उसमें सभी जो संस्थाएं हैं वो उनकी कोई ना कोई भूमिका जो है वो अपने आप में अनिवार्य हो जाती है। और खास तौर पे जो खाप पंचायत में जो नेतृत्व है या जहाँ के ये संगठन है ग्रामीण परिवेश के, उनका अपना पेशा भी खेती बाड़ी ही है, जमीन, और जिसको लेकर ये कानून बनाए गए थे। और उसमें खाप पंचायतों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भूमिका अदा की। और उसी समय पे महिलाएं जो हैं वो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भूमिका अदा कर रही थी। वो स्टेज से भाषण भी दे रही थी, वो स्टेज से गाने भी गा रही थी, नारे भी लगा रही थी, और तमाम तरीके से उनके सामने जो है पर्दा खोल के भी बातचीत अपनी रख रही थी उन्हीं गांव की महिलाएं जो हैं। ये उन्होंने सब देखा। और इसमें एक स्वागत योग्य जो बात है वो ये थी कि पहले जिस तरह से ये खाप पंचायतें, जातिवादी पंचायतें जो हैं वो केवल निजी मामलों को लेके, निजी स्वतंत्रताओं को लेके सक्रिय रहती थी, जैसे किसी का जी चॉइस मैरिज का सवाल है या किसी के दूसरी तरह के जो कम्युनिटी कोड्स को लेके कोई वायलेशन है। अब एक पॉजिटिव बात ये हुई कि वो सामूहिक मुद्दों के ऊपर सक्रिय हुए। ये एक सामूहिक मुद्दा था जो तीन काले कानून के खिलाफ जो आंदोलन था। और हम हमेशा उनसे इस तरह की मतलब अपील करते रहे कि हमें उन मुद्दों पे आंदोलन और संघर्ष करने चाहिए मिलजुल के, जो हमारे सबके जो रोजी रोटी के जो सवाल है असल में, जहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, हमारे मतलब बच्चे जो हैं उनको कहीं पे शिक्षा नहीं मिल रही अच्छी, रोजगार नहीं मिल रहा है उनके लिए, तमाम नशा है, मतलब दूसरे जो इस तरह के उनको भटकाव करने वाले, उनके जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें, अश्लील साहित्य है। तो ये हम पहले भी आपस में विचार विमर्श करते रहे थे कि हमें इन चीजों पे फोकस करना चाहिए अपने आंदोलनों को। और कमोबेश मतलब ये इस पे मिलजुल के मतलब उन मुद्दों के ऊपर एक सक्रियता देखी गई है इस दौरान, किसान आंदोलन के दौरान। और हम ये आ, 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 आशा रखते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले समय में भी ये निजी व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप की बजाय हमारे सामूहिक सरोकार के जो मुद्दे हैं वो, उनके ऊपर जी हमारा मतलब ध्यान केंद्रित रहेगा, और मिलजुल के जो है हम उनके ऊपर सक्रिय होंगे। तो जो महिलाओं की भागीदारी और हिस्सेदारी एक पुरुष प्रधान समाज में, अब आगे क्या कदम रखने को है? यानी कि जैसे जैसे मैंने आपसे कहा, वो मूवमेंट जब होता है तो उसमें ये पहला कदम कौन उठाएगा कि महिला को एक पोजीशन मिले वहां पे? ये महिलाओं को डिमांड करना पड़ेगा या ये हाँ, समितियां जो हैं वो खुद ये कदम उठाएंगी? देखिए, महिलाओं के अंदर जो इस दौरान बदलाव आया है,
वो बिल्कुल एक गुणात्मक बदलाव है उनके जीवन के अंदर जो है, उनकी जो पूरा अक्यूमुलेटेड एंगर था उसको एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति मिली है, और बहुत एस्पिरेशनल चेंजेस जो है वो उनके जीवन में देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, नौजवान लड़कियां जिन्होंने अपनी माओं को, दादियों को, सबको घर की चारदीवारी के अंदर काम करते हुए देखा था, और अपने सपनों को भी उन्होंने उसी तरह से बुन लिया था कि उनका जीवन भी यही होने वाला है। लेकिन इस दौरान उन्हीं नौजवान लड़कियों ने स्टेज पर आकर अपनी प्रतिभा का जो है लोहा मनवाया, हर तरह से, मीडिया के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, कानूनी उसके माध्यम से, और सोशल मीडिया, ये सारा जो है। अब उनको ये लगता है कि ये जो सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए मुद्दे जो है वो भी उनके मुद्दे हैं, और वो उन पर बहुत ही बेबाक तरीके से बोलते भी हैं, चाहे दलित हैं चाहे महिलाएं हैं। जब वो ये नारे सुनते थे कि खेत मजदूर, किसान मजदूर, महिला एकता जिंदाबाद, और फिर उसके बाद कोई किसी तरह का भेदभाव होते देखते अपनी सामने, तो वो तुरंत उसके ऊपर सवाल खड़ा करते थे। उदाहरण के तौर पे, हमने 19 दिसंबर को यहाँ पे रोहतक के अंदर ये संकल्प सभा एक करी थी, संकल्प और सम्मान सभा विजय के बाद, और उसमें जो साथी स्टेज कंडक्ट कर रहे थे, तो वो अनकॉन्शियसली उन्होंने अनाउंस किया कि भाई पीछे चाय का प्रबंध है, जो भी भाई पीना चाहे। तो एक महिला जो है वो फट से खड़ी हो गई कि मतलब बहनों के बारे में क्या आपका विचार है चाय को लेकर। तो वो ऐसे मतलब भरी सभा में खड़ी होकर उसने बोला। इसी तरह से हमने बहुत सारी जगहों के ऊपर मतलब बेबाकी से उनको सवाल करते देखा है, चाहे वो मजदूर थे चाहे वो महिलाएं थी। लेकिन अब ये जो उनके अंदर एक आत्मविश्वास, एक असर्शन की जो भावना आई है, वो मतलब जो आर्थिक तौर पे जब कोई उनके अधिकारों में कोई बदलाव नहीं आया है, मसलन लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एंटाइटलमेंट की अनुपस्थिति में, ये जो असर्शन की भावना है ये कितनी परमानेंट बन पाएगी, ये एक सवाल जरूर है। और यहाँ पे हमें ये लगता है कि जो, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, जो भी परिवर्तन कामी मतलब एक मनोकामना से काम करते हैं यहाँ पे, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इन महिलाओं को जब ये असर्ट करती हैं अपने निजी जीवन में भी, अपने सामूहिक मुद्दों में भी, उनको बहुत क्लोजली सपोर्ट करें, उनको जो है अपने संगठनों के अंदर शामिल करें, और उनको संगठित होने के लिए, खुद को भी संगठित होने के लिए निरंतर प्रेरित करें। जो जी तो अगर ये काम वो प्रगतिशील ताकतें जो हैं, अगर वो ये काम करती हैं, तो डेफिनेटली ये जो एक बहुत ही ऊर्जावान एजेंसी जो बदलाव की निर्मित होके आई है किसान आंदोलन के माध्यम से, तो ये हमारे आंदोलनों के लिए बहुत बड़ा एक मतलब क्या कहें कि पहलकदमी करने वाला तबका जो है वो शामिल होगा ऊर्जा का उसके अंदर। सरकार कैसी है, उससे क्या कुछ असर पड़ता है महिलाओं पे? क्योंकि अब हम कहते हैं हिंदुत्व सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार भी कही जाती है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े आंदोलन, CAA, किसानों का आंदोलन और तमाम आंदोलन जो देश के चप्पे चप्पे में होते हैं, उसमें महिलाएं शामिल हो रही हैं, तो ये क्या एक रिएक्शन है जिस तरह की सरकार है उसका? हाँ, देखिए, एक तरह से ये रिएक्शन भी है, और असर्शन की एक जो मतलब उनके अंदर एक लहर जो धीरे 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 चलती आ रही थी, बनती आ रही थी, वो असर्शन की जगह भी ये एक है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस असर्शन को आज
हम तमाम तरीके से मतलब रिकॉग्नाइज करते हुए प्रोटेक्ट करें कि वो असर्ट करें अपने अधिकारों के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपने ह्यूमन राइट्स हैं, अपने काम की जगह पे घरों के अंदर वो सारा जो है। लेकिन सरकार की तरफ से पूरा जो है एक एजेंडा इस तरह का खोला जा रहा है कि ये जो चेतना किसी तरह की नौजवान लड़कियों में खास तौर पे जो बन के आ रही है, वो जो है उसको मतलब भटकाया जाए, चाहे वो मतलब इसका जो शादी की उम्र का सवाल था, जी 18 साल से 21 साल का करने का, किसी ने कोई मांग नहीं रखी थी, कोई मुद्दा नहीं है। ये एक मिनिमम एज जो है 18 साल, वो हमारे यहाँ पे फिक्स की हुई है चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। अभी भी चाइल्ड मैरिज जितनी हो रही है वो उन पे ध्यान नहीं दे रही उस तरफ जो देना चाहिए। और इसी तरह से अभी जो ये हिजाब का जो सवाल जो है, जी ये अभी जो नई शिक्षा नीति जो लेकर आई है सरकार, जिसमें बिल्कुल जो महिलाएं और दलित जो है उनको डिप्राइव कर दिया जाएगा शिक्षा के और हायर एजुकेशन के अधिकार से एक तरह से। तो इन सब जगहों से जहां पे उनकी जो फ्रीडम की, जहां पे रियल जो लाइफ में बदलाव लाने वाली जगहें हैं, उनके ऊपर सरकार जो है वो निरंतर हमले कर रही है और बिना बात के जो इश्यूज हैं उनको इश्यूज बना के वो ध्यान को पूरा मतलब भटकाने की कोशिशें कर रही है, उसकी आड़ में ये किया जा रहा है। और जो बजट है इस बार के जो रखे गए हैं सरकार के द्वारा, सभी को पता है कि मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे ज्यादातर मतलब विधवा महिलाएं हैं, या ऐसी बड़ा हिस्सा महिलाओं का ऐसी का है जिनके पास जीवन में और कोई विकल्प नहीं है, तो वो अब ये काम करते हैं मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए। लेकिन उसके बजट में कटौती आप कर रहे हैं भाई। स्वास्थ्य के लिए महिलाओं ने कोरोना के दौरान जो है जिस पूरी परिस्थिति को झेला है, और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि महिलाएं तो कोरोना के दौरान मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो उपेक्षा थी उनकी जरूरतों की, वो तो थी, फ्रंट लाइनर होते हुए भी उनको वो जगह नहीं दी गई जिसकी वो हकदार थी। इसके अलावा वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस के आंकड़े जो कल भी हरियाणा के विधानसभा में रखे गए हैं, वो बहुत ही ऊंचे हैं इस दौरान के। लेकिन आप स्वास्थ्य का बजट नहीं बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिकरण जो है, यूनिवर्सल हेल्थ जो है, वो जहाँ पे इस दुनिया के अंदर था वहीं पे कुछ राहत मिल पाई महिलाओं को और आम जनता को, लेकिन आप उन स्वास्थ्य सेवाओं को निजीकरण की तरफ धकेल रहे हैं। भूख जो है, भूख में जो हिंदुस्तान जो है 116 में से 101 के स्थान पे जो खड़ा है, और ज्यादातर भूखे और मतलब जिनमें खून की कमी है वो महिलाएं हैं। मतलब वो कम खाती हैं, जिस तरह का हमारे यहाँ पे पैट्रियार्कल और कल्चरल मतलब वैल्यूज हैं उनकी वजह से। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं ये सरकारों पर ही निर्भर करते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। असल में जो लेजिटिमेट उनके जीवन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको और भी ज्यादा मार्जिनलाइज किया जा रहा है, के छुटे हैं, उनका काम वर्कफोर्स के अंदर उनकी भागीदारी कम हुई है। इन मुद्दों पे कोई चर्चा सरकार की नहीं है। सरकार को बस हिजाब का सवाल है, लव जिहाद है वहां पे, ये जो इस तरह के मुद्दे जो बनाए जा रहे हैं, ये कौन सी सरकार सत्ता में बैठी है, उसका चरित्र क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और निश्चित रूप से ये जो सरकार है ये बिल्कुल एक महिला विरोधी सरकार जो है, इसका चरित्र सामने आ रहा है।
क्योंकि आमतौर पे समझा जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ या ईसाइयों के खिलाफ है, लेकिन हिंदुत्व एक तरह से महिला विरोधी आइडिया भी है। निश्चित रूप से ये जो हिंदुत्व का जो सवाल, जो हमें ये लगता है कि भई ये तो उनके जीवन से जुड़ा हुआ, मुस्लिम महिलाओं के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है एक तरह से, और हम जितना सपोर्ट कर दें उतना अच्छा है। वो इसको वहां इस जगह पे खड़े होकर देखने से काम नहीं चलने वाला है। हमें इसको जहाँ पे खड़े होके देखना पड़ेगा, वो ये है कि सभी जो नागरिक हैं महिलाएं, और उनके जो नागरिक अधिकार हैं, आप उनको शिक्षा से वंचित अगर कर रहे हैं, तो वो सभी महिलाएं हैं। जिस तरह की शिक्षा नीति इनकी आड़ में जो है वो लाई जा रही है, जिस तरह के यहाँ पे बजट पेश किए जा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे मतलब एक के बाद एक, चाहे वो एयरवेज है, चाहे वो रेलवेज है, चाहे वो BSNL, ये दूसरे जो महकमे जहाँ पे महिलाओं को रोजगार मिलते थे, वो सब बेचे जा रहे हैं निजी हाथों के अंदर जो है। और महिलाओं का रोजगार जो है वो खत्म हो रहा है इनके साथ जो है। तो वो केवल यूं देखना कि भाई ये केवल उनको, मुस्लिम को सबक सिखाने के लिए ये काम हो रहे हैं, अंतिम तौर पे ये जो असल में जो गरीब नागरिक जो है, और खास तौर पे जिसमें बड़ा तबका महिलाओं का है, उनके हकों पे हमला है ये एक तरह से। यहाँ से खड़े होके हमें देखना पड़ेगा और सभी को शामिल करते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी जागमती जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्रज्ञा, और जी न्यूज़ क्लिक को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के मुद्दों के ऊपर वार्ताएं आयोजित करता रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद।